बॉलीवुड और ईडी का साथ हमेशा से ही चोली दामन का रहा है, दीपिका पादुकोण हो या फिर रकुल प्रीत, कई एक्टर एक्ट्रेस हमेशा ही ईडी की रडार पर रहते हैं। लेकिन एक बार फिर ईडी की रडार पर कई एक्ट्रेस आ गए हैं। चलिए ये मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकार ने संयुक्त अरब अमीरात में शादी की थी। इस शादी में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था और सितारों ने भी इसमें अपनी परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बाद से ईडी की नजरें इन लोगों पर बन गई। इस मामले में ईडी के सूत्रों ने कहा कि एक्टर और गायकों को मुंबई स्थित एक इवेंट कंपनी द्वारा भुगतान की गई फीस के बदले में इनवाइट किया गया था। साथ ही महादेव ऐप के अन्य प्रमोटर्स ने चंद्रकार की शादी पर लगभग 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए, क्योंकि परिवार के सदस्यों को नागपुर से दुबई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे। ईडी सूत्रों के अनुसार इसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाले के जरिए 112 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि 42 करोड़ रुपए का नकद भुगतान होटल बुकिंग के लिए किया गया था।